आप देख रहे हैं लाइव आज, हर खबर आप तक। जनपद बिजनौर चांदपुर थाने की पुलिस व स्वाट टीम के संयुक्त ऑपरेशन में भारी मात्रा में चुनाव पंचायत में इस्तेमाल के लिए लाई जा रही शराब को बरामद किया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सभी को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के आदेश पर शराब माफियाओं के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चांदपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी में भरकर ले जाए जा रही 10 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की है, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अन्य लोग जो हैं इसमें संलिप्त, उनकी भी जांच चल रही है और 3 अभियुक्तों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आज न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर चांदपुर क्षेत्र से रिपोर्टर सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के चांदपुर पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शराब का जखीरा और 3 शराब तस्कर को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन 3 शराब तस्करों में जावेद, अरविंद और नीतू यादव, इसमें से एक अरविंद जो माननीय उच्च न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट में अरेस्ट स्टे ले रखा था, वो भी पुनः इस धंधे में लिप्त हुआ और उसकी गिरफ्तारी की गई। एक 4-व्हीलर गाड़ी के साथ जो 90 पेटी शराब एवं सैकड़ों पौवे शराब बनाने के अनेक उपकरण आदि बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा चौधरी चरण सिंह चौक पर रोकने का प्रयास किया, मुठभेड़ हुआ, एक अभियोग पंजीकृत हुआ। इस सिलसिले में धारा 307, 420, 467, 68, 471, 272 IPC, 61 और 72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इनसे अन्य पूछताछ की जानी है, क्योंकि यह शराब पंचायत चुनाव में जो इनके द्वारा बताया गया डिमांड हुई थी और ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, तो डिमांड करने वाले कौन कौन लोग हैं, शराब की भट्टी में निर्मित करने वाले कौन कौन सम्मिलित हैं, इनको PCR पर ले करके अभी होमवर्क बाकी है। अन्य आधे दर्जन से ज़्यादा अभियुक्त जो लग रहा है इसमें संलिप्त हैं और जो डिमांड करने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, अब शराब की कीमत कितनी होगी? इन शराब टोटल शराब की कीमत स्थानीय बाजार में लगभग 10 लाख रुपए की शराब है और पुलिस टीम को उत्साह वर्धन है 10,000 रुपए से पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों में पहले भी मुकदमा दर्ज है। पकड़े गए जो अभियुक्त है इनमें एक के खिलाफ 9 मुकदमे, एक के खिलाफ आधे दर्जन एवं तीसरे के खिलाफ भी अभियुक्त पंजीकृत है। बाहर से सातिर नोटोरियस क्रिमिनल है और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के खिलाफ अरेस्ट स्टे भी प्राप्त था। उस अरेस्ट स्टे को वैकेट कराने की भी कार्रवाई की जाएगी।